नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रन बागुड़े में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। भारतीय सेना के लिए स्वदेशी उत्पाद बढ़ाने की कोशिश में गुजरात के सूरत शहर का योगदान तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश की पुलिस फोर्स और मिलिट्री के लिए डिफेंस फैब्रिक अब तक चीन, ताइवान और कोरिया से मंगाया जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार अब ये कपड़ा सूरत में तैयार होगा। फौज की वर्दी, जूते, पैराशूट, बैग और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का जो कपड़ा हम अभी दूसरे देशों से मंगवाते थे, वो अब सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बन रहा है। डिफेंस फैब्रिक यहाँ DRDO की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इसके लिए सेना ने अपनी स्वीकृति दे दी है और यहाँ सेना से 10 लाख मीटर डिफेंस फैब्रिक तैयार करने को पहला ऑर्डर भी मिल गया है। हालांकि पुलिस फोर्स मिलिट्री के 50 लाख से अधिक जवानों के लिए हर साल 5 करोड़ मीटर फैब्रिक्स लगता है। लक्ष्मीपति समूह के MD संजय सरावगी के अनुसार DRDO CII के दक्षिण गुजरात संगठन के पदाधिकारी और सूरत के कपड़ा उद्यमियों के बीच सितंबर में वर्चुअल बैठक हुई थी। इसमें सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अनुरोध किया गया था कि वो देश की तीनों सेनाओं सहित विभिन्न सैन्य दलों की ज़रूरत का कपड़ा तैयार करें। इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत कैंपेन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक डिफेंस फैब्रिक को चीन, ताइवान या कोरिया से मंगाते थे। समय की मांग और महंगाई के देखते हुए DRDO स्वदेशी चीज़ें विकसित करने पर जोर दे रहा है। इसी प्रयास के तहत सूरत की टेक्सटाइल मिल को डिफेंस फैब्रिक निर्माण का पहला ऑर्डर मिला है। बता दें कि मोदी सरकार ने सेना से सामानों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 100 सामानों के आयात पर रोक लगा दी है। सरकार का मकसद आने वाले दिनों में सेना के लिए तमाम आधुनिक हथियार से लेकर तमाम तरह की रसद का उत्पादन देश में ही करने की योजना है, जो आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।